कैसे हो सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारी इस माइनक्राफ्ट की सेकंड सर्वाइवल सीरीज के सेकंड एपिसोड के अंदर। और भाई मजा आने वाली है इस एपिसोड के अंदर, लिटरली फार्म आने वाले हैं, वीट फार्म। भाई अब क्या लिखा है, अल्सो ट्राई सुपर वीट बॉय, क्या लिखा है भाई मुझे समझा ना पहले कोई। यश की सर्वाइवल, भाई बहुत दिन हो गए मैंने खुद सर्वाइवल वीडियो बनाता हूँ, सर्वाइवल नहीं खेला है मैंने मेरा वो, तो चलो चलते तो मेरा गेम प्ले देखो और तुम्हें पता चल जाएगा मैं कैसे हूँ गेम प्ले में। चलो मिलता हूँ एक गेम चालू होने तो सबसे पहले। A few minutes later, मैंने भाई 41 सीट्स तो कलेक्ट कर लिए, तो भाई इधर तक मैंने नीचे रास्ता एक बार साफ कर लिए। भाई उसमें सही बात कहूँ तो ये वाले एरिया बहुत काम किया भाई हमारी, भाई इतनी इसने बहुत कम देर के अंदर ही इसने हमें बहुत सारी मतलब सीट्स दे दी, तो अभी हम लोग और कलेक्ट करेंगे। मेरे हिसाब से मैं आई थिंक तुम्हें इसको 64 एक स्टैक तो उसको कम्प्लीट कर ही लूँगा, तो चलो एक स्टैक कम्प्लीट करने दो उसके बाद मिलता हूँ। लेकिन भाई सुबह हो चुकी है भाई क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट के अंदर वेट भाई यार बातों में मैंने गलती कर ली यार, बहुत बड़ी गलती कर ली। मेरे को जो इलाका मैं रात को जागता था ना भाई, तो मेरे को बोन मील मिलने की चांसेस रहती थी। और भाई बोन मील से तुमको पता है क्या होता है, ओ वेट एक सेकंड मैंने खाना नहीं लाया, तो हाँ बोन मील से तुमको पता है क्या होता है यार। भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट जो रात आएगी हम लोग उसके अंदर मेरे को बस याद रहेगा तो मैं कर लूँगा। तो फूड लेना था जैसे मेरे पास फूड नहीं है, तो ये हमारे क्या डालो पोर्क चॉप डाल देते हैं भाई क्योंकि वो हमारे काम की चीज है। वो जो पोर्क चॉप बनाओ थोड़ी ज़्यादा हमको हेल्थ बढ़ाते, कोई बात नहीं चलो चलते हैं भाई वापस से लगते हैं हमारे काम पे। मैं नीचे का एरिया पूरा साफ कर लिया है, सेकेंड जो है ये वाला एरिया वो खुआ गया है मैंने साफ। और भाई अभी इधर का मैं थोड़ा पीछे से भी करके आया हूँ, लेकिन बाकी तो चलो इसको भी करते हैं, इसको भाई बहुत मजा आने वाली है। तो तुम लाइक और पहले कर लो मतलब फॉर्म बना दो, बाकी भाई अब तो काम सिर्फ उसके सीट कलेक्ट करने का किया है भाई, करने दो कलेक्ट उसके बाद मिलता हूँ यार, बहुत बहुत बोरिंग प्रोसेस है यार। तो एक स्टेक तो अभी कलेक्ट हो चुकी है हमारी वीट की सीट, लिटरली एक सीट नहीं है भाई, रुको तो ज्यादा क्या कर रहे हैं यार तू। अरे भाई मुझे तो लगा भाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ठीक है भाई अभी हमारे पास 66 वीट के सीट्स हैं जो कि बहुत बड़ी बात है यार, बहुत अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ठीक है भाई अभी हम लोग क्या काम करना है, बस ये डर्ट लगानी है इधर और उसे इंक्रीज करना है और फिर हमको ये सीट्स को उधर डालते रहना है। और अब भाई बस मेरे को दिमाग में ये चीज याद रहनी चाहिए कि अगर रात हो तो मुझे बोन मील कलेक्ट करनी है, तो बोन कलेक्ट करने स्केलेटन्स को मार के उसकी बोन मील बन जाएगी, लेकिन मुझे बोन कलेक्ट करनी है बस याद रहे। अब मैं भूल गया तुम याद कर रहा हूँ कमेंट करके, ठीक है भाई चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हो फार्म तो थोड़ा इंक्रीज कर रहा, तो चलो करते हैं यार। पर मैं शवल लेके भाई शवल की लगी मेरी एक सके चवल ये भाई चलो इसको पकड़ते हैं लोग हमारे हाथ में, और हम और डार्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे आज बाद जैसे, क्योंकि अभी हमको बहुत ज़्यादा ही डार्ट्स भी चाहिए होगी। एक काम करता हूँ, एक किलर और प्लेन ही कर देता हूँ ये वाली, उससे क्या होगा कि हमको तो डार्ट्स मिल जाएगी और ये रंग थोड़ा प्लेन मिल जाएगा हमारे आजू बाजू के, अब लोग जैसे सोच रहे हैं हाउस ऑफ हमें उससे बड़ा फायदा हो। ठीक है फटाफट में ठीक से होगा यार भैया, ये क्या बोरिंग काम है, बिल्कुल वैसा काम बनाना है यार वैसा काम दो। ठीक है फटाफट से करते हैं, फटाफट से करते हैं, देखो कोई टेंशन नहीं होगी तू निकलने दो फटाफट में क्योंकि यूजलेसिंग मेरे इन्वेंटरी में, ये फ्लावर में निकल जाए कॉपर का तो भाई नाम बनता है मेरे सामने है भाई, इतनी गंदी चीज़ है भाई पॉइंट ऑफ डाला की वजह से, क्योंकि चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे एक सीट को लगा रहे हैं। भाई देखो फार्म बनाओ कैसे मुझे वो थोड़ा देखो, अभी हमने यहाँ पे कितनी लगाई है 1 2 3 4 लगाई, अगर चार ब्लॉक्स लगा तो हम लोग 6 करते हैं, फिर 4 से चलाई 5 6 5 6 ये भाई लग गया, तो ये लोग ऐसा बराबर रहेगा हमारा फार्म और अभी नहीं वेट 8 का वर्ग क्या 8 में भी अच्छा लगेगा, पर 8 में जब वो करेंगे तो वो बड़ा लगना चाहिए फार्म और उसके अंदर ये बात रहती है, तो 8 का करते हैं भाई। अरे यार भाई मैंने गलती से उसको पर ही पैर रख दिया, अभी हमारा 6 का है ना भाई, ये तो वही है यहाँ पे 7। अरे भाई यार गलत कैसे काम हो रहा है यार भाई संग से टूटे भाई पहले, चलो ओके अभी हमारे ये आएगा 7 और ये 8, अब ये फिर 7 8। अरे लग भाई यार क्या यार भाई फटाफट से लग रहा है बाजू में आता हूँ बच्चों जल्दी टूट जाएगा फिर, और ये आ गया 8 होगा और फिर से 7 8 खत्म। ओ भाई वेट मैंने जैसे लगाया ही नहीं भाई, अच्छा याद आ गया,
बताते हैं लोगों को, अगर वो कंटिन्यू लगाते रहना है बस। छोटा वाला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं। और भाई ना हमने थोड़ी एक्स्ट्रा की डर्ट लगाई है, तो हमको थोड़े एक्स्ट्रा के और भी सीट्स लगेंगे, तो थोड़ी और सीट्स हमें करने पड़ेंगे, तो लोग कर लेंगे फटाफट से, जल्दी से क्योंकि डर्ट के मच्छर देने से क्योंकि लोगों की मेरे साथ इतना लग होगा अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी इतना भी, तो चलो इसको लगाते हैं। अरे भाई डर ये क्यों लग रहा है, पिकेक्स की डर गई है मेरी भाई, गलती से मेरे हाथ में एक पावर स्टोन था, मैंने उसको लगा दिया। अरे आगे क्यों जा रहे मेरा प्लेयर पूरी फुट बाइक तुझे को गया यार, मतलब आगे कितने तोड़ लेंगे हम लोग उसको। चलो अभी हम लोग बस एक ही काम है कि हमको अभी इनको पहले हो करना है, फिर उनको सीट लगाते जाना है। ओके ठीक है चलेगा भाई, बताओ बोरिंग काम नहीं पाऊंगा मैं, अच्छा काम है, खेती बाड़ी करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, तुम भी करूँगा ठीक है, सब ठीक है, सबको पहले दो तीन कर लेता हूँ, आराम से बैठने लगा देगा, ईजी होगा। अरे ऐसे और भी मैंने लगाया हुआ है, कलर भी हो गया थोड़ा, उसके सब थोड़ा गेंद पकड़ गया, 64 सीट्स वगैरह कर ही दिए, और अंदर थोड़े से आज इस बार भी कमी आए, लेकिन एक टाइम भी रास्ते यही दर बोला था भाई, खा ले यार तू खा ले जा खा ले भाई, आधे घंटे से पीछे पड़े हुए, जब से कलेक्ट कर रहा हूँ तब से पीछे पड़ी है यार। ठीक है चलो और एक सीट अभी नहीं मिला यार, एक से कम पिक करना को चाहिए, मेरे लिए स्कैम हो गया फिर से मेरे साथ, ठीक कोई नहीं, चलते हम लोग भाई, कोई बात नहीं, पुण्य का काम किया पीछे वो तब अब ठीक है, लेकिन वो यार पीछे आ रही है यार वो, अभी हमें इतना तो ओ बेटी मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, वो रुको एक सेकंड, मैं सारे को मैं गलती कर रहा हूँ, फिर चलो एक सौ नहीं कहना उसको नहीं करते हैं, मेरे पास तो भी आइडिया है कि मैंने देखा थोड़ा दिमाग लगा, जब तुम विलेज में जाते तो पता होगा कि तुम विलेज के अंदर जो ना जो खत्म होने वाला है ये, तो तुम अगर विलेज के अंदर देखा होगा तो तुमने ऐसा देखा होगा तुम कैसा पानी बीच में से रहता है, तो अभी हम लोग क्या काम करते हैं एक सेकेंड को या पानी उठाते हैं इधर से लगा, तो इससे हमारे चांसेस है कि जैसे ग्रुप हो आजू बाजू के चांसेस हो दे, एक तो हो भी गई हमारी उठा लेते हैं, और जो सीड है इस वजह से लगा कोई बात नहीं। चलो अभी हम लोग इधर भी एक सीड लगाते हैं, और अभी देखो मैंने जैसे मैंने इधर किया ना, मैं तो एकदम सेम टू सेम बीच बीच में किधर भी रैंडमली करते रहूँगा तो काम हो जाएगा, बट भाई साहब हमारे पास अभी सीड की जरूरत है, डर्ट की थोड़ी कमी आ चुकी है, तो चलो करते हैं लोग डर्ट के फिर से कनेक्ट करना, फिर से तुम पहले मैंने तो 5 मिनट रुका है, इस बार 2 मिनट रुका, लेकिन रुको दो एरिया प्लान भी कर दिया भाई, देखो अब मेरे पास 2 स्टैक और ये 26 एक्स्ट्रा पड़ी है, तो अब ये काम मैंने सो जाता हूँ यार, लेकिन भाई चलो वो थोड़ा सा ये तो इंक तो मिल जाए भाई, इंक साइक का काम हो गया हमारा, मर जा भाई तो फटाफट से, जब तक भाई रात के सो जब तक हम लोग सो नहीं, चलो 2 इंक साइक आ चुकी है हमारे पास, काम तो आती है भाई, अगर तुम लोग पूछे ऐसा क्या कहते हैं उसका आइटम फिल्म, 6 आइटम फिल्म में नहीं तो चीज़ों में कब आती है, तो पहले दिख रही है तो भाई ले लो उस चीज़ को, और तुम्हारे पास टाइम भी है तो भाई टाइम है तो फटाफट से लेना, और अभी चलो टाइम से सुबह भी हो चुकी है तो आराम से, क्योंकि समझो क्या हुआ था मेरा हो गया अभी हमको यार फिर से सारा वही काम, तो और तंग कर ली डर्ट की बच्ची, एक शवल खत्म हो गई मेरी, सॉरी यार मैं भी बोल गया था, एक काम करता हूँ मैं ऊपर से काम करता हूँ, क्योंकि ऊपर से कहता है ना थोड़ा आराम से इजीली होगा, और गलती शायद से कभी होती तब हमारी लग जा भाई लग जा वो करना है, और फिर हमारा जो फार्म है वो रेडी हो जाएगा, लेकिन एक से फिर आओ देना कहाँ से है वो, और तू कहाँ से आ गया ऐसा कुछ पानी को धोने से आया भाई, तू आ जा जा लोग इसके ही मार नहीं था उधर बहुत मन था होगा आ जा, बस आवाज है मेरे सबसे पहले मैंने इग्नोर किया मैंने इस चीज को, मैंने चलो वो जल्दी हो जल्दी, तो अभी देखो अभी मैंने जैसे पूरा फार्म का काम तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, और मैंने साइड से भी थोड़ी डर्ट को एक्स्ट्रा लगाया ताकि मैं यहाँ पर जो है ना हमारी फेंसेस को भी लगा सकूँ, लेकिन भाई ये रिकॉर्डिंग की थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल, मैं थोड़ा सा लैग देख रहा हूँ भाई मुझे माफ़ करना, मैं तो ये फुल ट्राई कर रहा हूँ क्यों ना हो ऐसा। ओके तो भाई देखो अभी मेरे को भाई मेरी फेंसेस को थोड़ी कमी लग रही है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टिक्स बना देता हूँ,
मैंने तो देखा नहीं कि वहाँ से वो तोड़ के आता, क्योंकि थोड़ी रिकॉर्डिंग हुई लैग लैग से हो रही थी। अभी मैं बोलता हूँ वो लैग लैग मुझे बिल्कुल नहीं दिखाना है, तो इसके मैं उस चीज़ को काट दिया है। भाई तुमको लगा तो क्लिप का सबूत आखिरी में दे दूंगा, तुम लास्ट तक क्यों देखो तो वो सबूत दिख जाएगा कि मैं तोड़ने गया था सच्ची में। तो देखो अभी मेरे को यहाँ पे भाई फेंसेस को तो लगा नहीं है, बट मैं थोड़ी क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे दो जगह छोड़ देता हूँ, उधर से मैंने छोड़ के रखी है, तो इधर इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि इधर से मेरे दो गेट लग जाएंगे। ओके भाई डन हो चुका है। अभी मेरे को यहाँ पे दो फेंस के गेट लगाने, भाई 12 फेंस एक्स्ट्रा के बच गई, क्योंकि मैंने ज़्यादा की थोड़ी वुड कलेक्ट करके आ गया था, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। तो फिर से मेरा वुड खत्म हो चुका है यार। थोड़ा भाई कोई बात नहीं, चलते हम लोग वुड को कलेक्ट करना, उसके बाद मेरे को फेंस के दो गेट लगाने। और भाई अब मुझे बताया फेंस का गेट कौन सा लगाना है, मुझे वही ब्रिज का लगाना पड़ेगा, पर क्योंकि अगर ब्रिज का नहीं लगाएंगे तो और ऐसा हो जाएगा, अगर ओक का लगाएंगे तो। लेकिन भाई ओक का वुड मेरे सामने ज़्यादा है, लेकिन भाई ठीक है फ्लावर्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि फ्लावर्स तो काम ही आएंगे। बट फ्लावर इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि वो आज बजे थोड़ी उसकी डेकोरेशन और करनी है भाई हमको, डेकोरेशन थी। सबसे पहले ऐसे वुड लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर चलते हैं, फिर फेंसेस लगाते हैं, उसको थोड़ी डेकोरेशन करते हैं फार्म की। चार फेंस गेट तो ये बन चुके हैं, और यहाँ पे चल लगाते हैं। ओके भाई फेंस गेट ये रहा, थर्ड नंबर की इन्वेंट्री पे है। चलो इसको एक को इधर लगाते हैं, एक को दो लगे भाई, देखते हैं भाई फार्म कैसे बना है हमारा। देखो एक नंबर का फार्म बना है भाई, बस पता नहीं भाई वर्क करना चाहिए, पता चला वर्क ही नहीं कर रहा, बट भाई करना वर्क तो उसे वो करेगा ही, लेकिन भाई ये सब प्रॉब्लम बहुत सारी होती है भाई, कभी फ्लो उगता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता ही बना देता हूँ। ओके भाई काम तो हमारा हो चुका है, अभी फार्म को हमको ईजी रास्ता में निकल जाएगा। लेकिन अभी तुम लोग कह रहे हो कि मैं अभी ब्लॉक क्यों लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में थोड़ी खुराफाती गिरी जा रही है। हाँ मैं ऐसे ही अगर एक एक ब्लॉक छः दो दो ब्लॉक छोड़ के मैं यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स लगाने वाला हूँ, दो दो लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक लगाओ कि दो लगाओ, एक ही लगाते हैं चलो। और अब क्योंकि हमने वो लगा दिया है, तो एक एक करके लगाते हैं फ्लावर्स को, इससे जो है हमारा थोड़ा जो हमारा फार्म है वो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और थोड़ा वो बहुत ज़्यादा फूल सा। अभी तू क्या बीच में आ रही है भाई, हट जा भाई तू, क्या इसका स्क्विड बोलते हैं ना शायद से, भाई बहुत स्क्विड ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, भाई बहुत दिमाग ख़राब कर रही है ये। ठीक है अभी डर्ट जो है, हाँ डर्ट है भाई, वो जगह डर्ट खत्म हो गई हमारी। एक काम करो मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद मिलता हूँ वो वाली साइड तक के। तो भाई मैंने अभी जो है ना सारी जो साइड है वो सब कर दी, बस ये अभी लास्ट साइड बचती है कि यहाँ पे हमारे फ्लावर्स लगना बाकी है। भाई यहाँ पे गलती से मेरे ब्लॉक रख मतलब पहले रख गया था, मतलब लग गया था वो। ओके भाई अब मैं काम करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले सारे डर्ट्स को लगा देता हूँ, और उसके बाद फिर सारे फ्लावर्स को लगाऊंगा, वो थोड़ा ईजी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी से तब डर्ट लगाओ तब फ्लावर लगाओ थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता, और टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है वो। तो चलो अभी हमने इतने सारे कुछ डॉट्स लगाई है, इसके ऊपर फ्लावर लग जाओ, और भाई लास्ट में देखते हैं हमारा फार्म कैसे बनता है, अब अच्छा लगना चाहिए। ठीक है भाई हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, फ्लावर्स वगैरह की डेकोरेशन तक के पूरी हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इधर को एक काम करता हूँ, ये दो गांव भी हटा देता हूँ, फिर देखो इधर भी हमारा अरे पानी थोड़ी सारी गलती हो गई, तो पानी इस भाई पानी उधर आ गया है इसके लिए बोलने लगा, मैंने उधर भी इसके लगाया क्योंकि और थोड़ा अच्छा लगे। तो भाई देखो अगर तुम लोगों ने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो बहुत गलत कर रहे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब नामक चीज़ को वस्तु को दबा दो भाई, क्यों करना तुम करते नहीं हो ना यार, करते इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है यार हर बारी, तो करो यार किया करो, बहुत अच्छी चीज़ होती है सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। और चलो भाई इन्वेंट्री आर्मर स्टैंड वगैरह सब बराबर, भाई मेरे दिमाग में आइडिया आई थी कोल से वहाँ पे टॉर्च वॉर्च लगा देते, लेकिन भाई मेरे पास दो ही टॉर्च है भाई, क्योंकि मेरे पास भी दो होनी चाहिए, तो नेक्स्ट डे मेरे को टॉर्च भी लगाने तो माइनिंग के लिए जाना पड़ेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, नेक्स्ट वीडियो में चलो मिलूंगा, बाय। Blah, blah, blah.